हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक गिरधानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस बेहतरीन क्लास के अंदर, जो कि एलपी आरपीएफ और जो भी टेक्नीशियन की वैकेंसीज अब आने वाली हैं, अपकमिंग रेलवे की वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि एनटीपीसी के रूप में भी देखने को मिलेगी, ग्रुप डी के रूप में भी देखने को मिलेगी हमें फिर से। तो दोस्तों उन सभी के लिए ये बहुत ही कारगर क्लास होने वाली, और आज का सेशन दोस्तों आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि आप लोगों ने कोड डिकोड तो बहुत पढ़ा होगा, बहुत देखा होगा, लेकिन अगर लेटेस्ट पैटर्न अगर आपको नहीं पता है कि कोड डिकोड में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है और कैसे प्रश्न हमें एनटीपीसी में देखने को मिले थे, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के एग्जाम में, ग्रुप डी के अंदर बहुत ही विचित्र प्रकार का हमें क्वेश्चन देखने को मिला था कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, तो उन सभी को हम लोग यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, सभी लोगों ने मकर संक्रांति अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसीज तो आपका वेट कर ही रही हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो बताना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से, अपने परिवार के इस जो है दोस्तों चैनल के माध्यम से, तो वो यही है कि मेरे भाई आपके पास समय बहुत कम है। अब आप अपने आप को दूसरों के बातों को सुनकर डीमोरलाइज करते हो और अपना समय बर्बाद करते हो, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि मैंने आपसे दिसंबर में ही कह दिया था कि आप लोग मार्च में 110% श्योरिटी के साथ में रेलवे के फॉर्म भर रहे होंगे, और आज भी मैं अपनी इस बात पर बिल्कुल अडिग हूं, भले से 15 जनवरी हो गई है, कि आप मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में रेलवे के एएलपी आरपीएफ के फॉर्म, जो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के फॉर्म जो है वो आप भर रहे होंगे। दुनिया कहती रहे कि मई में होगा, जून होगा, जुलाई होगा, पर मैं कह रहा हूं कि मार्च से अप्रैल नहीं होगा, मार्च ही होगा, ठीक है। इतना मैंने आपको कह दिया है, अब आप लोग जम के मेहनत करना चालू कर दो, क्योंकि समय आपके पास वास्तव में सच में बहुत कम है, 2-3 महीने का भी समय नहीं है आपके पास, ठीक है, क्लियर है। अगर चलो मान भी चलते हैं कि मई में अपने एग्जाम हो भी गए, ठीक है, तो मेरे भाई आपके पास सीधी सी गणित ये है कि आपके पास 100 डेज मान लो, खींच के 100 डेज है आपके पास, ठीक है, 100 दिनों में तैयारी करनी। चलो आगे चलते हैं, मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर दोस्तों अपना चल रहा है, D30 कोड का प्रयोग करके आप एलपी आरपीएफ का जबरदस्त बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 30% का फ्लैट ऑफ आपको मिल रहा है, यानी आज आप बैच पर कोई भी अगर आप बैच लेते हैं तो उस पर भारी छूट मिल रही है। कल आपको ये 0% का ऑफ मिलेगा, ठीक है, 16 तारीख से, ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो अंतिम मौका आपके पास में है, जो भी बच्चा रेलवे का बैच ज्वाइन करना चाहता है आज ही ज्वाइन कर लीजिए, D30 कोड का प्रयोग करके 30% ऑफ के साथ। रेलवे एलपी टेक्नीशियन रीजनिंग A to Z कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है, ठीक है, आप लोग ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 999 रुपीज इसकी जो है प्राइस रखी गई है, लेकिन इस पर 30% का ऑफ तो आपको मिल रहा है, साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है। ये बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, का मतलब ये नहीं कि आपको 1 तारीख से वैलिडिटी मिलेगी, आज आप बैच ज्वाइन करेंगे तो 1 साल की वैलिडिटी आपकी आज से चालू होगी। ये रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में बैच है, आप चाहो तो 15 दिन में पूरा बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, पूरा डाल दिया है बैच, और आप चाहो तो 3 बजे लाइव आके मस्त क्लास अटेंड करो, उसके बाद आप घर पे होमवर्क के क्वेश्चन लगाओ जो आपको मिलते हैं, आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलता है वो लगाओ, आपको जो क्विज मिलती है वो लगाओ। आप इसको डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो डाउनलोड करके देख लो, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो, आप इसको लैपटॉप और कंप्यूटर पे देखना चाहते हो तो लैपटॉप और कंप्यूटर पे देख लो। आपको टेस्ट मिल रहे हैं, जी हाँ टेस्ट मिल रहे हैं, 300 से 400 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, वो भी मैथ रीजनिंग जीके जीएस सभी के कंप्लीट पेपर के फॉर्म में, जिसको आप उसकी वैलिडिटी भी 1 साल की है, उसके डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं। ऐप पर आपको आस्क अ डाउट का फीचर भी मिल रहा है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भेजो, आप कुछ टाइप करके भेजना चाहते हो तो वो भेजो, सारे डाउट के लिए सारी फैसिलिटी अब एक्टिव कर दी गई है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप पर मिलेगा, जी हाँ रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप पर ऐप डाउनलोड कर लेना। सेम चीज आपको मैथ्स में अमित सर की मिल रही है, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस हाई लेवल तक की धमाकेदार तैयारी मैथ्स की, रीजनेबल प्राइस में 30% ऑफ के साथ।
और अगर आप मैथ और रीजनिंग दोनों का कॉम्बो बैच लेते हो तो उसका प्राइस और कम आपके पास में अवेलेबल है। 1899 रुपए भले से इस बैच का प्राइस आपको दिख रहा है, लेकिन आपको 30% D30 कोड का प्रयोग करेंगे आप। D30 कोड का प्रयोग करने के बाद यह बैच आपको मात्र 1330 रुपए में मिल जाएगा। जी हां, 1330 रुपए में आपको यह बैच एक साल के लिए रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप पर आपको मिल जाएगा। यह अंतिम मौका आप हाथ से जाने ना दें। अगर जीडी के टेस्ट लगाना चाहते हो तो मात्र ₹1 में आप जीडी के 400 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वेबसाइट पर यानी कि लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठ के या फिर ऐप पर भी। ठीक, 400 टेस्ट आपके पास में है, ये दिख गए आपको, क्लियर। CGL के टेस्ट भी हैं, CHSL के भी हैं, ALP, RPF की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रही है। ठीक है, क्लियर। और सारे ही टेस्ट अगर आप लेना चाहते हो तो 199 में सारे एक साल के लिए, 2000 से भी ज्यादा टेस्ट। ठीक है गाइस, क्लियर है। CGL मेंस का बैच जो कि आपको 699 रुपए में मिल रहा है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कोई बढ़िया स्कोर कर रहा है, ठीक है, और वो मेंस के लिए तैयारी करना चाहता है क्योंकि 37,000 पोस्ट है उसके अंदर, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐप आप डाउनलोड कर ही लेंगे, यहाँ पर पेड सेक्शन में आपको जाके मिल जाएगा रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप पर। ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है, कोई भी आपत्ति समस्या आए तो इस नंबर पर कॉल कर लो, 9602514332, बेस्ट। ठीक, ये अपनी वेबसाइट है जहाँ पर आपको लैपटॉप और कंप्यूटर पर बैठ के भी टेस्ट लगा सकते हो आप, जो है इसके अलावा वीडियो कोर्सेस वगैरह चला सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कर लेना, टेलीग्राम पे रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, यहाँ से आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई उन चीज़ों की जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत बदल गई हैं। आपने देखा होगा NTPC CBT 1 के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक ऐसा प्रश्न आया जिसने बहुत सारों के तोते उड़ा दिए। ठीक है, हालांकि उस प्रश्न में था कुछ नहीं, बस उस प्रश्न की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से थी, और कुछ कंडीशनल कोडिंग इसको बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? कंडीशनल कोडिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? कंडीशनल कोडिंग, लिख लीजिए आप, कंडीशनल कोडिंग। देखिए कंडीशनल कोडिंग क्या होती है, आपको यहां पर कुछ देख रखा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एक बार। इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ ग्रुप ऑफ डिजिट और सिंबल, आपको डिजिट और सिंबल का एक ग्रुप दे रखा है। देखिए आप ध्यान से, आपको 9 दे रखा है, $2, $4 है ना, तो आपको देखिए आपको एक लाइन में डिजिट और सिंबल दे रखे हैं और एक लाइन में उसके लेटर के कोड दे रखे हैं कि कौन सी डिजिट का कौन सा लेटर कोड है, है ना, ये आपको दिया हुआ है। और आपको कुछ दे रखी है कंडीशंस, कुछ शर्तें आपको दे रखी हैं मित्रों। क्या दे रखी है? कुछ शर्तें आपको दे रखी है, इन शर्तों को आपको पढ़ना है और आने वाले ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब देने हैं। तो पहली कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है? आपको दे रखे हैं सिंबल्स, आपको दे रखे हैं उसके कोड, और पहली कंडीशन ये है, इफ द फर्स्ट यूनिट डिजिट एन इवन डिजिट एंड लास्ट यूनिट इज अ सिंबल, बोथ आर बी कोडेड एज द कोड फॉर द इवन डिजिट। यदि पहली इकाई सम अंक तथा अंतिम इकाई एक चिन्ह है, कोई एक आपको पेयर दे दिया, जैसे ये पेयर दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर वो बोला जा रहा है कि यदि पहली इकाई सम अंक और अंतिम इकाई अगर एक चिन्ह है तो दोनों के कोड सम अंक के कोड होंगे, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, यदि पहली इकाई आपका सिंबल है और अंतिम इकाई आपकी विषम अंक है तो कोड परस्पर बदल देने होंगे। यदि पहली इकाई विषम अंक तथा अंतिम इकाई सम अंक हो तो दोनों का कोड विषम अंक का कोड होगा। तो हम देखते हैं यहां पर कौन सा केस दे रखा है, ठीक है, ये कंडीशंस और ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। 853 कॉपीराइट 2D, चलो चेक कर लो क्या दिया है। तो भैया पहली इकाई सम अंक दे रखी है आपको, देख लो आप खुद, पहली इकाई आपको क्या दे रखी है मित्रों? सम अंक, पहली इकाई सम अंक, और अंतिम इकाई क्या चिन्ह है क्या? जी नहीं,
तो ये वाला तो नहीं लगेगा। पहली इकाई चिन्ह ये वाला भी नहीं लगेगा। पहली इकाई विषम अंक और अंतिम इकाई सम अंक ये भी नहीं लगेगा। लो तीनों जो कंडीशन है, जो शर्तें उसने हमें दे रखी थी, उन शर्तों में से कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही। पहली बात तो जो शर्त हमें दे रखी थी मित्रों, इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही। अब कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही तो रूल कहता है कि अगर सारी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका कोड होगा। तो देखिएगा, 8 के नीचे क्या है दोस्तों, n है। तो 8 के नीचे आपने लिख दिया n, फिर था 5 3, तो भाई साहब 5 के नीचे क्या है q, 3 के लिए क्या है h, अगला है कॉपीराइट 2d, कॉपीराइट भैया कॉपीराइट के नीचे क्या है t, 2 के नीचे है f, डी के नीचे है ई। तो भैया कोड आपके सामने है एन क्यू एच टी एफ ई, ये लीजिए एन क्यू एच टी एफ ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा आपको करना है। अगर कोई कंडीशन मिलती है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, कंडीशन नहीं मिलती है तो भैया इस प्रकार आंसर करना है। चलिए आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए कि आपको क्या दिख रहा है, क्या इसका आंसर बनेगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है मित्रों, आप पढ़िए, पढ़ के रिप्लाई करके बताइए कि क्या इसका आंसर बनेगा। आपके हिसाब से क्या आंसर हो, कौन सी कंडीशन ऐसी है जो अप्लाई करेंगे? चलो ठीक है, आपसे जिससे भी हुआ बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं, कंडीशनल कोडिंग आपने नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। देखिए, उसने कहा था पहली इकाई सम अंक तथा अंतिम इकाई एक चिन्ह हो, क्या ऐसा है भाई? पहली इकाई भी सम है यहां तो, और अंतिम इकाई भी सम है, पहली इकाई भी सम है और अंतिम इकाई भी भैया यहां तो सम ही है। ठीक है, तो ये तो नहीं लगेगा, है कि नहीं? पहली इकाई भी सम है, अंतिम इकाई भी सम है। अगला, पहली इकाई चिन्ह और अंतिम इकाई विषम अंक, ये भी नहीं है। पहली इकाई विषम अंक, अंतिम इकाई सम अंक, पहली इकाई विषम नहीं है, अंतिम जरूर सम थी। ठीक है, तो ये फिर से नहीं लगे। फिर से आप देखिए कि फिर से कोई भी कंडीशन लागू नहीं हुई। जब कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती है तो जिसके नीचे जो लिखा होता है वही उसका कोड होता है। ये सिंबल्स और आपको डिजिट्स दे रखी हैं, ये उनके लेटर के कोड दे रखे हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए 4 का क्या बनेगा दोस्तों? 4 का बनेगा पी, हमारा आंसर पी से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद में आप चुप चेक कर सकते हैं डॉलर, डॉलर के लिए क्या है ए है, तो पी ए एम एच तक तो कॉमन, अच्छा पी ए एम एच यू तक तो कॉमन है, लास्ट वाली डिजिट अलग है, तो लास्ट वाली डिजिट चेक कर लेते हैं 6 का क्या है, 6 के लिए आई लिखा हुआ है, तो आई वाला हमारा कोड होगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हमारा कोड होगा। क्या आंसर हो गया हमारा? ए ऑप्शन हमारा कोड, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा कोड हो चुका है मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, कोई गैप नहीं होना है, अब रेगुलर क्लासेस होंगी धमाकेदार पूरी स्ट्रेटजी के साथ में, और भी टीचर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, आपके लिए साइंस भी आपके लिए चलने वाली है चैनल पर, मैथ्स चली रही है, रीजनिंग चली रही है,
आपको जीके जीएस भी देखने को मिलने वाली है। 22 तारीख को लॉन्चिंग करेंगे, 23 तारीख से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस सभी टीचर्स की चलेगी, ठीक है। आप पूरा फोकस देख लो अभी फिलहाल। चलिए पहली इकाई देखिए, यदि पहली इकाई सम अंक तथा अंतिम इकाई एक चिन्ह हो तो पहला वाला तो भैया नहीं लग रहा, दूसरा देखते हैं। यदि पहली इकाई चिन्ह तथा अंतिम इकाई विषम अंक हो, यह भी भैया नहीं लगा। यदि पहली इकाई विषम अंक, जी हां, पहली इकाई विषम अंक तथा अंतिम इकाई सम अंक हो, जी हां अंतिम इकाई सम अंक है, तो दोनों का कोड विषम अंक का कोड होगा। तो दोनों का कोड विषम अंक का कोड होगा, यानी 9 और 6 का कोड वही होगा जो विषम अंक यानी कि 9 का होगा। तो दोनों अंक का कोड विषम अंक का कोड होगा। 9 का कोड क्या है? R, यानी हमारा क्वेश्चन R से स्टार्ट होगा और R पे ही खत्म होगा। तो कितने ऐसे ऑप्शन हैं जो R से स्टार्ट हो रहे हैं और R पे खत्म हो रहे हैं? एकमात्र ऑप्शन है, देखिए एकमात्र ऑप्शन है जो R से स्टार्ट हो रहा है R पे खत्म हो रहा है। क्योंकि अगर पहली इकाई विषम अंक और अंतिम इकाई सम अंक है तो दोनों का कोड विषम अंक का कोड होगा, यानी 9 का कोड है R, R से स्टार्ट हुआ R पे खत्म। कॉपीराइट का देख लो कोड क्या है, कॉपीराइट का कोड है T है दोस्तों, ये कैसे हुआ? विषम अंक कौन सा यार? यदि पहली इकाई विषम अंक तथा अंतिम इकाई सम अंक हो, भैया यहां पर फर्स्ट यूनिट यहां तक तो चलो ठीक था, ये भी ठीक था, यहां पे गड़बड़ नहीं कर दी इसने कोड बनाते समय? मुझे तो लग रहा है कि इसने उड़ा दिया है। यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, उसमें आर आर तो होगा, ठीक है, वरना क्योंकि देखो कॉपीराइट का आंसर क्या आता, टी आता है यार, कॉपीराइट तो फिर क्या बनाता, कॉपीराइट आ रहा है तो यहाँ पे टी आना चाहिए था, डॉलर डॉलर के लिए ए आना चाहिए था, थ्री दे रखा है थ्री के लिए क्या आना चाहिए था, एच आना चाहिए था, परसेंटेज देख लो परसेंटेज के लिए एम आना चाहिए था। हाँ तो इससे गड़बड़ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर लेंगे आप, ठीक है इसको सही कर लीजिएगा, टी बनेगा ये, मतलब ई ऑप्शन और होगा क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है बैंक में आते हैं दोस्तों, ठीक है ये प्रश्न है, और बैंक में क्या है पांच ऑप्शन आते हैं, तो इन्होंने क्या चार ऑप्शन दे दिया, पांचवा ऑप्शन हटा दिया होगा, ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिए। अब अपने बार रेलवे में तो पहली बार ही आए हैं, बैंक में तो इतने सालों से आ रहे हैं, और बैंक में हमेशा पांच ऑप्शन दिए जाते हैं, रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों उसके अंदर जो है हम लोग कोचा देते हैं, हम लोग हमें पता है कि दोस्तों उसमें हमेशा ही जो है हमारे पास में जो आंसर रहता है चार ऑप्शन का रहता है, ठीक है क्लियर। चलिए देखिएगा आगे, देखिए अगला करते हैं दोस्तों, करिए अब देखिएगा, करिए इसको करिए, क्या आंसर बनेगा बताइए इसको, चलिए करिए इसको करते हैं, अपन इस वाले को करते हैं ये ज्यादा अच्छा, चलो इसको करिए, कौन सा लॉजिक लगेगा इसके अंदर? अब देखिए इधर ये वाला लग रहा है इसके अंदर, पहली इकाई चिन्ह देखिएगा, पहली इकाई चिन्ह, जी हां सिंबल, पहली इकाई चिन्ह और अंतिम इकाई विषम अंक हो, जी हां अंतिम इकाई विषम अंक है, तो उनके कोड परस्पर बदलेंगे, इनके कोड परस्पर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी कॉपीराइट का कोड क्या है, कॉपीराइट का कोड टी है, वैसे तो कॉपीराइट का कोड क्या है टी, और वन का कोड क्या, वन का कोड है जे, लेकिन परस्पर बदल जाएंगे, अब जे आगे हो जाएगा और टी पीछे हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जे
और टी, जे से स्टार्ट होगा टी पे खत्म होगा, जे से स्टार्ट होगा टी पे खत्म, जे से स्टार्ट होगा जे पे खत्म। ये लीजिए आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, पर थोड़ा चेक कर लेना दोस्तों ऑप्शंस, है ना। बी वाला देख लेते हैं एक बार, सेवन का कोड क्या है, सेवन का कोड है बी। डी का कोड क्या है भैया, डी का कोड है ई। ठीक, आगे फाइव, फाइव का कोड क्या है गाइस, फाइव का कोड है क्यू। फोर, फोर का कोड क्या है देख लो, फोर का कोड क्या है पी। तो जी हाँ बिल्कुल, ये अपना आंसर आ गया। तो कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कि यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के थोड़ा देख लेना, क्योंकि ऑप्शन एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, हो सकता है इसमें मिस्टेक हो जाए। पहली इकाई विषम अंक और अंतिम इकाई सम है ही नहीं भैया यहाँ, तो जो जिसके नीचे है वही उसका कोड बनना चाहिए। सेवन का कोड क्या है बी, लॉजिक नहीं लग रहा तो सेवन का कोड बी। टू, टू का कोड क्या है एफ। एट, एट का देख लो भैया, एट का कोड क्या है एन। परसेंटेज, परसेंटेज का कोड क्या है एम। नाइन, नाइन का कोड क्या है भैया आर। डॉलर, और दोस्तों डॉलर का कोड क्या है जल्दी से देखिए, डॉलर का कोड है ए। तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है, बी एफ एन एम आर ए। ठीक है, बी एफ एन एम आर ए, ये अपना आंसर है। ठीक, क्लियर भाई? तो आराम से आप लोग बना सकते हो, अगर लॉजिक लगता है तो अप्लाई करेंगे, नहीं लगता है तो जो जिसके नीचे आ रहा है वही उसका कोड होगा। इसको कहते हैं कंडीशनल कोडिंग, इसको बोलते हैं शर्तों वाले प्रश्न। तो क्या आज के बाद इन शर्तों वाले प्रश्नों को आप कर सकते हो मेरे भाइयों? सभी लोग दिल से लाइक करके एक बार थम्सअप करके बता दे कि यस सर 100% गारंटी के साथ आज के बाद हमारे ये वाले प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। इनको कहते हैं कंडीशनल कोडिंग, शर्तों वाले प्रश्न। ठीक है, ये बढ़ते जा रहे हैं यार दोस्तों, अब आने वाला समय देखिए, अभी बहुत सारे बच्चों का मेंस का पेपर भी है ना, मेंस के लिए भी वो लोग तैयारी करने जाएंगे। तो सीजीएल मेंस में डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है सिंपल लेवल के प्रश्न तो बनेंगे नहीं, बैंक लिंक लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर प्लेलिस्ट बनाइए, बेटा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है नितिन, है ना, बार बार कॉपी पेस्ट वाला कमेंट ना करें। ठीक है, सभी बच्चे एक बार थम्सअप कर देंगे, यस सर कर लेंगे। तो आगे की चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सेशन आपका बहुत ज़रूरी था, इस सेशन को आप लोग जरूर इसको, इसकी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको संभाल के रखिएगा और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति का पर्व जो है दोस्तों चल रहा है, और इसी बीच में हमारा ये ऑफर भी चल रहा है, D30 कोड का प्रयोग करके 30% डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट A to Z फाउंडेशन बैच है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्लियरली मैं बोल देता हूँ। किसी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ और भी फैकल्टीज अब आप लोगों के लिए आने वाली हैं। ठीक है, साइंस की धमाकेदार फैकल्टी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, ठीक है, उनका नाम तो मैं अभी रिवेल नहीं करूंगा, 22 तारीख को जब हम उनकी लॉन्चिंग करेंगे तभी रिवेल करेंगे। ठीक है, GK GS के लिए धमाकेदार दोस्तों आप लोगों के लिए शानदार फैकल्टी आ रही है, पॉलिटी हिस्ट्री सब कुछ, जहां जो भी आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको अब इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, 22 तारीख से, और मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको पढ़ के, इतना मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रेलवे ALP का शानदार फाउंडेशन बैच D30 कोड का प्रयोग करके 30% डिस्काउंट के साथ आप ज्वाइन कर पाएंगे आज ही। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स D30 कोड का प्रयोग करके 30% डिस्काउंट आप लोग ले पाएंगे। अगर आप दोनों ही बैच को लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी 12 बजे तक आपके पास में ऑफर अवेलेबल है, हालांकि ऑफर तो कल ही समाप्त हो गया था 14 तारीख पर। ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक हम लोग जो है इस ऑफर को रख रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग का 1899 रुपये में कॉम्बो बैच आपको मिल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी 30% का ऑफ मिल रहा है एक साल की वैलिडिटी के साथ में। D30 D30 एक साथ लिखना है, ठीक है, एक साथ लिखना है D30 D30 कोड का प्रयोग करेंगे और मात्र 1330 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा मैथ रीजनिंग का। ठीक है, GD की टेस्ट सीरीज मात्र 1 रुपये में अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चालू हो गए हैं, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, जम के लगा लो टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोग बाकी CGL की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, CHSL की, ALP RPF की, तो मात्र 99 रुपीज में इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 199 रुपीज में आपके पास सारी टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है, जिनको आप ऐप पर और वेबसाइट दोनों पर आप लगा पाए। ठीक है, अंतिम मौका फिर से आप लोगों के पास में बता दूं मैं, साथ ही साथ दोस्तों CGL Tier 2 यानी कि मेंस लेवल की तैयारी हमने धमाकेदार तरीके से चालू कर दी है, 699 रुपये में आपको ये पैच मिल रहा है। जिस भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, 12 महीने की वैलिडिटी, प्रैक्टिस PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन, वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन, डाउट क्लियरिंग सेशंस,
साथ ही साथ क्विज का ऑप्शन अवेलेबल है, साथ ही साथ 400 टेस्ट जिनके डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं, ये आपको लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी आप लोग देखेंगे। ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक चल रही है, कितने आपके नंबर आए हैं, टॉपर के साथ कंपेरिजन, ये सारी चीज़ें आपको अपनी इस ऐप पर और वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यूज कोड D30 एंड गेट 30% डिस्काउंट। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप। कोई भी दिक्कत हो तो 9602514332 ये नंबर सभी के पास है ही, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, वैकेंसी अब आपको देखने को मिल जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, तैयार रहिए, समय कम है, जम के मेहनत कर लीजिए। दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, कल से धमाकेदार हम लोग शुरुआत करेंगे। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल पर आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक आपको दे रखे हैं चैनल के। ठीक है, ओके, थैंक्स अलोड, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अब कमर कस लो भाई, है ना, जम के मेहनत करने का समय आ चुका है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ग्रुप डी वगैरह में रह गए हैं, जो NTPC में रह गए हैं, तो भगवान करे कि इस साल आप लोग भी जो हैं आपकी भी नैया पार हो जाए। जम के मेहनत करेंगे और जरूर सिलेक्शन लेंगे। लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।